देखिए, मैंने सबसे पहले फोर व्हीलर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे मैंने बाहर कर दिया। ये सारे पार्ट्स के फ़ोटो हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद मैंने व्हील पीछे वाला जो व्हील है उसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये बैक साइड का व्हील है, बैक साइड का दूसरी ओर का भी व्हील मैंने सेट किया। उसके बाद मैं फ्रंट का जो व्हील है उसको मैं सेट कर रहा हूँ और उसमें नट और वॉशर लगा के फिर मैं उसको टाइट कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट चारों व्हील लगा दिया और इसको मैंने सेट करके नट और वॉशर के साथ सेट कर दिया और इस प्रकार से चारों व्हील लग के तैयार हो गया। उसके बाद व्हील का जो साइड में नट जो दिख रहा है उसको मैं कवर करने के लिए उसका जो कैप होता है मैंने उस कैप से उसके नट को कवर कर दिया। फिर मैंने इसके दोनों साइड का जो मिरर होता है वो मैंने लगा दिया। उसके बाद जो हैंडल होता है उसके नट को मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया। फिर मैं उसके वायर को हैंडल के वायर से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने हैंडल को कार के साथ अटैच कर दिया और नट से मैंने फिर से उसको टाइट कर दिया। ये देखिए, मैं सेट कर रहा हूँ, ये सेट कर दिया। फिर मैंने नट को डाल दिया उसमें और फिर मैं उसको टाइट कर दे रहा हूँ। ये मैंने टाइट कर दिया। इसके बाद मैंने ये सीट को निकाला। देखिए, सीट में एक सेफ्टी बेल्ट होता है, जो मैंने सेफ्टी बेल्ट को भी सीट के दोनों साइड से मैंने पहले सेट किया। सेट करने के बाद उसके दो नट होते हैं जो मैंने उसको ओपन कर लिया और फिर सीट को मैं सेट कर दिया। सीट कंप्लीट सेट करने के बाद दोनों साइड के जो नट होते हैं वो मैं स्क्रू से टाइट कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देख सकते हैं। ये मैंने नट को टाइट कर रहा हूँ। दोनों नट को मैंने टाइट कर दिया। इसके बाद मैंने सामने जो फ्रंट का लाइट दिया हुआ है फोर व्हीलर के, मैं वो मैं लगा रहा हूँ। उसका वायर मैं उस लाइट से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने वायर से कनेक्ट करके लाइट को सेट कर दिया। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ अभी। फिर मैंने दोनों बैक साइड का जो लाइट है शो के